अपने फेसबुक अकाउंट के हमेशा के लिए डिलीट करना चाहते हैं या अपने मोबाइल फ़ोन से किस तरह से फेसबुक अकाउंट डिलीट किया जाता है। फेसबुक अकाउंट पर सर्च करें तो मेरा आईडी सर्च में नहीं आवे, तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब। चलिए वीडियो को शुरू करें। अपने फेसबुक ऐप्स को ओपन करना। ओपन करने के बाद यहाँ पर 3 डॉट है, इस पर क्लिक। मैसेंजर के नीचे यहाँ पर 3 डॉट है, इस पर क्लिक करना। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेटिंग है, सेटिंग वाला आइकन पर क्लिक करना। सेटिंग वाला आइकन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक करना। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आएगा पर्सनल डिटेल, पर्सनल डिटेल पर क्लिक करना। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आएगा अकाउंट वर्सेड एंड कंटिन्यूड पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद यहाँ डिएक्टिवेट पर क्लिक करना। डिएक्टिवेट पर क्लिक करने के बाद फेसबुक अकाउंट आ जाएगा आप आईडी, इस पर क्लिक करना। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर डिएक्टिवेट अकाउंट, मतलब डिएक्टिवेट अकाउंट पर क्लिक करना है। तो ये टेम्परेली के आपने टेम्परेली के लिए ये डिलीट होगा, हमेशा के लिए इस पर डिलीट नहीं हो। हमेशा के लिए डिलीट करना चाहते तो डिलीट अकाउंट पर क्लिक करना है। देखिए कंटिन्यू पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आएगा मतलब कौन वजह से अपने फेसबुक अकाउंट को डिलीट करना चाहते, तो कोई वजह आप सेलेक्ट से कोई भी वजह आप सेलेक्ट कर सकते हैं या नहीं सेलेक्ट करते। कंटिन्यू पर क्लिक करना। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आएगा थोड़ा स्क्रॉल करना। स्क्रॉल करने के बाद मतलब जो फेसबुक अकाउंट में जो आप लोग वीडियो और या फोटो डाले हैं तो यहाँ पर से डाउनलोड कर सकते हैं, या आप लोग नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करना। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आएगा जो फेसबुक अकाउंट में आप जो पासवर्ड बनाए यहाँ पर डाल देना, तो हम डाल देते हैं। फेसबुक अकाउंट में पासवर्ड डालने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर डिलीट अकाउंट पर क्लिक करना है। डिलीट मतलब यहाँ पर परमानेंटली के लिए आपका चैनल अकाउंट डिलीट होगा, तो डिलीट पर क्लिक कर डिलीट अकाउंट पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद यहाँ पर 30 दिन के बाद आपका अकाउंट डिलीट होगा। आप लोग 30 दिन के बाद आप लोग फिर से इसमें लॉगिन करते हैं तो आपका फेसबुक अकाउंट नहीं डिलीट होगा। देखते हैं कि मेरा फेसबुक अकाउंट डिलीट हुआ या नहीं। आप लोग ऐसे तो डिलीट होगा 30 दिन के बाद, 1 महीने के बाद डिलीट होगा, तो ऐसे देखते हैं। फिर से फेसबुक ओपन करते, ओपन करने के बाद देखते हैं मेरा फेसबुक वाला अकाउंट डिलीट हुआ या नहीं। तो मेरा फेसबुक अकाउंट वाला डिलीट हो गया। देखिए मेरा 4 गो अकाउंट था तो 3 गो यहाँ पर वाला अकाउंट डिलीट हो गया। इसी तरह अपने अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं। फेसबुक अकाउंट को आप लोग तो डिलीट कर दिए, ये प्रोसेस आप लोग फेसबुक अकाउंट डिलीट कर दिए। आप लोग फेसबुक अकाउंट 30 दिन के बाद डिलीट होगा, तो फिर 30 दिन के बाद आप लोग 30 दिन के अंदर आप लोग फिर से अपने फेसबुक अकाउंट के लॉगिन करते हैं तो आप लोगों को फेसबुक एक्टिवेट हो जाएगा और फेसबुक अकाउंट डिलीट आपका नहीं होगा। तो 30 दिन तक आप लोग फेसबुक अकाउंट के अपने मोबाइल फ़ोन में अपने लॉगिन नहीं करना, तभी आपका फेसबुक अकाउंट डिलीट होगा, वरना आपका फेसबुक अकाउंट नहीं डिलीट होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब। चलिए मिलते किसी अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।